तो वेल हम वापस आ चुके हैं जहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं गुलेवर ट्रेवल्स की एक्सरसाइज चैप्टर की एक्सरसाइज का नेक्स्ट सेक्शन जो है लेट्स टॉक। तो लेट्स टॉक के अंदर हम पढ़ते हैं क्या लिखा है। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस केयरफुली, या जो नीचे दिए गए सेंटेंसेस हैं इनको खुशियारी से पढ़िए। द जायंट फार्मर्स वॉइस वाज एज लाउड एज ए ब्लोइंग ट्रम्पेट, ठीक है ना। जो जायंट फार्मर्स थे उनकी आवाज़ इतनी ऊँची थी जिस तरह से जो ऊंची आवाज होती है एक ट्रम्पेट की, ठीक है ना। आर द जायंट फार्मर्स वॉइस एज लाउड एज थंडर, या फिर जो जायंट फार्मर था उसकी आवाज इतनी ऊंची थी जिस तरह से बिजली के कड़कने की होती है। व्हेन समथिंग इज वेरी कोल्ड वी से इट इज एज कोल्ड एज आइस, जब कोई ज्यादा ठंडा होता है तो हम कहते हैं इट इज एज कोल्ड आइस आइस, ये जो है कोहरे की तरह ठंडा है। दिस इज बिकॉज आइस इज वेरी कोल्ड, क्योंकि आइस बहुत ज़्यादा जो है ठंडा होता है, इसलिए हम कहते हैं ये जो है चीते की तरह तेज़ है, क्योंकि चीता जो है बहुत तेज़ भागता है, ठीक है ना। तो जहाँ पे जो है हमें इसी तरह से फील करना है कुछ वर्ड्स। नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग यूजिंग द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स, ठीक है। एज डैश डैश एज ए फेदर, ठीक है ना। एज डैश डैश एज ए फेदर जो है, इधर क्या होता है हमारा, होता है जिस तरह से पंख, ठीक है ना, इसको हम फीदर कहते हैं, ठीक है बेटा। तो एज लाइट, पहली की डैश के अंदर हम क्या लिखेंगे, लाइट एज फीदर। दूसरी लाइट के अंदर, दूसरी डैश के अंदर हम क्या, इतना आस्ता, इतना हल्का के जितना एक फीदर होता है, ठीक है ना। इतना आस्ता के जितना एक टॉर्टाइज होता है, टॉर्टाइज आस्ता होता है, इतना आस्ता के जितना एक टॉर्टाइज है। एज स्वीट एज हनी, इतना मीठा के जितना शायद होता है, हनी होता है। एज वाइट एज स्नो, इतना सफ़ेद के जितनी बर्फ सफ़ेद होती है। एज स्ट्रॉन्ग एज ए नॉक्स, इतना मजबूत के जितना एक बैल होता है। एज जेंटल एज नाइट, इतना जो है मतलब कि खामोश के जिस तरह से रात होती है, ठीक है। एज रेड एज, इतना लाल के जितना रोज होता है। तो इतना एज ब्लैक एज ए टोस्ट, इतना काला के जितना एक टोस्ट होता है। एज वार्म एज ए ब्रीज, इतना गर्म के जितनी जो है हल्की हल्की चलने वाली हवा होती है, ठीक। तो यहाँ पे जो है ये वाली एक्सरसाइज का एज लाइट जिस तरह इसके अंदर हमने लिखा, एज स्लो इसके अंदर लिखा हमने, तो इस तरह दूसरी डैशेज भी हमने फिल कर दी, तो ये हमारा हो गया, ठीक है ना। उसके बाद क्या है, यूज़ द एबो एक्सप्रेशंस टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, ऊपर वाले एक्सप्रेशंस को हमें यूज़ करना है इन सेंटेंसेस को पूरा करने के लिए। तो चलिए, देन व्हाट आर वी वेटिंग फॉर, ठीक है, ठीक। द ओल्ड मैन हेयर इज एज वाइट एज स्नो, ठीक है, एज वाइट एज स्नो लिखेंगे। हिज फीट वेयर एज कोल्ड एज आइस, इतने ठंडे के जितना आइस होता है, इधर सुनो लिखा है आइस लिखते हैं, ठीक है। द न्यूज़पेपर बॉय वाज एज स्लो एज टॉर्टोइस, टॉर्टोइस इन डिलीवरिंग द पेपर्स, न्यूज़पेपर जो डिलीवर करने वाला लड़का है वो इतना आस्ता है जिस तरह से टॉर्टोइस है। आई फेल्ट एज लाइट एज फेदर, ठीक है ना, मैं इतना जो है हल्का फील कर रहा हूँ एक्सरसाइज करने के बाद जिस तरह से पंख होती है। देन है उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है इनको हमने कर दिया एज स्नो एज आइस, राइट, ये हमने फिल कर दी बेटा, बाकी भी हमने कर दी फिल। तो नीचे आते हैं, क्रिएट यूर ओन कंपेरिजन फॉर फॉलोइंग, वर्क इन पेयर्स। एज टॉल एज, इतना लंबा के जितना, एज फास्ट एज, इतना तेज के जितना, एज हाई एज, इतना ऊँचा के जितना, एज एंग्री एज, इतना गुस्से वाला के जितना, एज टाइनी एज, इतना छोटा के जितना, एज ब्रेव एज, इतना बहादुर के जितना, ठीक है ना। तो एज टॉल एज ट्री, एज ए ट्री, ठीक है ना, इतना लंबा के जितना एक पेड़ होता है। एज फास्ट एज ए रैपिड, इतना फास्ट के जितना एक खरगोश होता है। एज हाई एज ए माउंटेन, इतना ऊँचा के जितना एक माउंटेन। एज एंग्री एज ए बुल, इतना गुस्से वाला के जिस तरह से एक बुल होता है, ठीक है। एज टाइनी एज एन आंट, एज ब्रेव एज ए लाइन, ठीक है। तो इन डैशेज के अंदर हमने ये वाला फिल कर दिया। देन उसके बाद जो है एज टॉल एज ए ट्री, जिस तरह हमने इसके अंदर लिखा, ठीक है ना, एज फास्ट एज
एज ए रैबिट हमने लिखा जिस तरह, तो ये हमने उधर आगे आपको दिखा दिए, ठीक है ना, वही वाली जो है आप जहाँ पे फिल करेंगे, ठीक है। देन उसके बाद है हमारा इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, देर आर मैनी रीजन्स वाई समथिंग हैपन्स, यहाँ पे बहुत सी चीज़ें होती हैं, बहुत से रीज़न होते हैं क्यों कुछ चीज़ें होती हैं। फॉर एग्जाम्पल इवेंट रीज़न, जिस तरह गुलिवर कुड नॉट क्लेम द फेंस बिकॉज, गुलिवर जो है वो जो फेंस थी, ठीक है ना, फॉर एग्जाम्पल ये वाले हमारा फील्ड है, इसके बाहर जो हम वायरिंग करते हैं या फिर कुछ और लकड़ियाँ वकड़ियाँ ताकि जानवर अंदर ना एंटर हो, उसको फेंस कहते हैं, ठीक है ना, बाउंड्री वॉल, ठीक है। तो गुलिवर जो है वो फेंस पे नहीं चढ़ पाया, ठीक है ना, क्यों नहीं चढ़ पाया, तो रीज़न क्या है, एवरी स्टेप वाज 6 फीट हाई, क्योंकि हर स्टेप जो था 6 फीट ऊंचा था। ही सा वन ऑफ द जायंट्स कमिंग टूवर्ड्स हिम, उसने देखा कि एक बहुत बड़ा जायंट जो है उसकी तरफ आ रहा है। ही रेन टू हाइड हिमसेल्फ, वो दौड़ा खुद को बचाने के लिए उस जायंट से। जायंट होता है कोई बहुत बड़ी चीज़, ठीक है, बहुत बड़े क्रिएचर को हम जायंट कहते हैं, जिस तरह डायनासोर्स एक जायंट है। ऑल थ्री आर रीजन वाई गुलिवर वॉज अनएबल टू क्लेम द फेंस, ये तीनों जो है रीज़न है क्यों जो है गुलिवर क्लेम पे नहीं चढ़ पाया, ठीक है ना, फेंस पे नहीं चढ़ पाया। नाउ लुक एट द पिक्चर्स एंड डिस्कस इन ग्रुप्स वाई द फॉलोइंग इवेंट्स हैपेंड, ठीक है ना, अब आप जो है पिक्चर्स पे देखो और नीचे लिखो कि ये इवेंट्स क्यों हो रहे हैं। यू मे फाइंड मोर देन वन रीजन फॉर ईच ऑफ देम, ठीक है ना, तुम्हें एक से ज़्यादा रीजन देखने को मिलेंगे, ठीक है। नोटिस प्ले कैंसल्ड, ठीक है ना, जो प्ले है वो कैंसिल हो चुका है, तो क्या इसके पीछे जो है रीज़न हो सकते हैं, आपने जहाँ पे जो है मेंशन करने हैं, ठीक है। तो वेल ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, इधर वाली डैशेस के अंदर हम लिख देंगे द एक्टर्स डिड नॉट टर्न अप, जो एक्टर्स है वो नहीं आए, द ग्रुप डिड नॉट प्रैक्टिस एनफ, जो ग्रुप है उसने प्रैक्टिस नहीं की और वो प्रिपेयर नहीं थे, अवेलेड परमिशन वाज नॉट अवेलेबल फॉर स्टेजिंग द प्ले, ठीक है ना, या फिर परमिशन नहीं मिली इस प्ले को जो ड्रामे को करने के लिए डिस्प्ले करने के लिए, या फिर दूसरा रीज़न हम और बता सकते, द कपल वाज एंजॉयिंग ए लेट नाइट वॉक, जहाँ पे इस पिक्चर से हमें बताना है कि क्या हो रहा है, ऊपर चांद है, एक कपल जो है लेट नाइट की जो वॉक है एंजॉय कर रहे हैं, दे वेंट टू स्पेंड सम क्वालिटी टाइम टुगेदर आउटसाइड देयर होम, ठीक है ना, दोनों जो है बाहर टाइम स्पेंड करने जा रहे हैं, दे आर वॉकिंग टू स्टे हेल्दी, वो चल रहे हैं ताकि हेल्दी रहें, ये तीनों रीज़न हो सकते हैं इस पिक्चर को डिस्क्राइब करने के, ठीक है। नाउ आते हैं एक्सरसाइज पे वापस, ये वाले भी हमने कर दिया, नेक्स्ट हमारा एक्सरसाइज का पोर्शन है लेट्स राइड, ठीक है। तो लुक एट द फॉलोइंग एग्जांपल्स, नीचे एग्जांपल्स को हम देखते हैं। आई वॉज ट्राइंग टू क्लेम ओवर द फेंस व्हेन द जायंट सॉ मी, ठीक है ना, मैं चढ़ने की कोशिश कर रहा था फेंस पे जब मुझे इस बड़े क्रिएचर ने जायंट ने मुझे देखा। द फार्मर्स वाइफ वॉज स्ट्रोकिंग द कैट व्हेन हर 1 year ओल्ड सन एंटर्ड, ठीक है ना, जब 1 साल का बच्चा जो है आता है तो जो फार्मर की वाइफ थी वो सहला रही थी किसको, बिल्ली के बच्चे, बिल्ली को, ठीक है। बोथ एक्शंस वेयर इन द पास्ट, दोनों एक्शन जो हमने देखे पहले हो चुके हैं, ठीक है ना, पहले ये दोनों काम हो गए हैं तो हमें जो है अब पता चला, बाद में पता चला। व्हेन द फर्स्ट वन वाज गोइंग ऑन इन द पास्ट द सेकंड वन हैपेंड, ठीक है ना, पहला जो है वो जो है पहला हो रहा था पास्ट में, हो रहा था और दूसरा जो है हुआ है पास्ट में, ठीक है ना। मैच द फॉलोइंग सेंटेंसेज एंड राइट कंप्लीट सेंटेंसेज इन लाइंस बिलो, ठीक है ना, हमें जो है जहाँ पे जो है इनको मैच करना है और सेंटेंसेस जो है उनको कंप्लीट करके लिखना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है इनको करने का सिंपल है। आई वॉज ट्राइंग टू क्लाइंब ओवर द फेंस व्हेन द जायंट सॉ मी, ठीक है ना, जहाँ पे जो है नीचे आते हैं हम, इनको हमें मैच करना है आपस में, ठीक है ना, और यहाँ पे लिखना है, ठीक है, इन ब्लैंक्स को फिल करना है बेसिकली। तो जहाँ पे पहली ब्लैंक के अंदर हम क्या लिखेंगे, द लाइट्स वेंट ऑफ, वेंट आउट। आई वॉज राइटिंग ए लेटर व्हेन, व्हेन कहाँ से हम उठा रहे हैं बाकी, व्हेन यहाँ से, आई वॉज राइटिंग ए लेटर व्हेन द लाइट्स वेंट ऑफ, वेंट ऑफ, वेंट आउट, ओके, वेंट आउट, ये वाला हमने यहाँ पे लिखा, इसके साथ मैच कर रहा था,
ठीक है ना। इस तरह से दूसरी ब्लैंक्स तीसरी ब्लैंक्स के साथ भी जो है आप कर सकते हैं, ठीक है। ऑल वॉज लुकिंग एट विंडो एंड जे तीसरी तो पूरी है, ठीक है ना। इस तरह से आप फिल इनको कर सकते हैं। तो जहाँ पे आप जो है, मैं इस बार एक बार दिखा देता हूँ आपको, आप वीडियो पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वीडियो रोक के इनको लिख सकते हैं अपनी नोटबुक, ठीक है। देन इसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। ये वाला है, नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग सूटेबली। अब जो नीचे हैं इनको हमें जो है सूटेबली इनको जो है फिल इन ब्लैंक्स को फिल करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड की जो है अगेन हमने इसको भी कर दिया है। फॉर दैट एस आई वॉज सिटिंग इन ए टैक्सी यस्टरडे व्हेन इट वॉज रेनिंग, ठीक है। तो यहाँ पे पहले आई वॉज सिटिंग इन ए टैक्सी यस्टरडे व्हेन इट वॉज रेनिंग, इट वॉज रेनिंग। इस डैश के अंदर क्या भरेंगे, इसमें क्या भरेंगे, इसमें क्या भरेंगे, आर रेडी हमने जो है जहाँ पे भर दिया है। ही फाउंड हिज ओल्ड आइडेंटिटी कार्ड, आई वॉज पार्किंग द कार व्हेन, जैस प्लेइंग के अंदर से वाला आएगा, ठीक है ना। देन उसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। क्या है हमारा, व्हेन वी कंपेयर टू थिंग्स पीपल वी एड ई आर मोर, ठीक है ना। आर मोर, जब हम जो दो चीज़ों को ऐड करते हैं, या तो ई आर ऐड करते हैं या तो मोर ऐड करते हैं, टू डिस्क्राइबिंग बोर्ड। व्हेन वी कंपेयर थ्री आर मोर थिंग्स पीपल वी एड ई एस टी मोस्ट आर मोस्ट, ठीक है ना। जब हम तीन चीज़ों को कंपेयर करते हैं, या तो हम ई एस टी लगाते हैं या मोस्ट लगाते हैं। लुक एट द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स, वेन फर्स्ट टू आर कंपेयर्ड एंड वेन ऑल थ्री आर कंपेयर, ठीक है ना। पहली जो है, जब हम पहला क्या है, फास्ट फास्टर, मतलब कि ये जो गाड़ी है इससे तेज़ भाग रही है। फास्टेस्ट का मतलब है कि इन दोनों से जो है ये वाली जो है तेज़ भाग रही है, ठीक है ना। तो फास्ट का मतलब है चल रही है, बट ठीक है ना, इससे कम तेज़ चल रही है, ये इससे कम तेज़ चल रही है, ठीक है ना। द सेल बोट इज़ फास्ट, द कार इज़ फास्टर देन द सेल बोट, द एरोप्लेन इज़ फास्टेस्ट ऑफ ऑल, ठीक है। तो इस तरह से, जिस तरह से डिफ़िकल्ट है, मोर डिफ़िकल्ट या मोस्ट डिफ़िकल्ट, ये डिफ़िकल्ट है, ये इससे ज़्यादा जो है ये डिफ़िकल्ट है, इन दोनों से ज़्यादा कौन सा डिफ़िकल्ट है, ये वाला, ठीक है ना। तो जहाँ पे इसी चीज़ को इसने एक्सप्लेन कर रखा है। नाउ हमें कहता है, नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग इन द सेम वे यूजिंग द वर्ड्स ईजी आर स्ट्रांग, ठीक है ना। नीचे की डैशेज को हमें जो है उसी तरह से फिल करना है, इधर ईजी या रंग लगाकर, फर्स्ट ब्लैंक सेकंड ब्लैंक जो है, ठीक है ना। तो सिंपली आपको आना है जहाँ पे मैन यू विल बी कमिंग डाउन, ठीक है ना। स्किपिंग इज इजी, तो ये वाला है आपका जो आप करेंगे, स्किपिंग इज इजी, ठीक है ना। जंपिंग इज दूसरी जो डैशेस है, जंपिंग इज ईजियर Easiest, ठीक है ना। देन है ईजी स्ट्रांग स्ट्रांग, जो वाला आप फिल करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है नेक्स्ट आपका कौन सा है, नाउ कम्प्लीट द फॉलोइंग इन द सेम वे यूजिंग द वर्ड जूसी आर एक्साइटिंग, ठीक है ना। तो सेम वे जूसी आर एक्साइटिंग की तरह जो है हमें इनको करना है। द ऑर्डर में वेरी अकॉर्डिंग टू यूर चॉइस, ठीक है ना। एप्पल इस डैश में क्या आएगा, ऑरेंज वाली में क्या, शुगर केन में क्या, ठीक है। तो सिंपली जस्ट गो हेयर, एप्पल क्या होता है, जूसी, ऑरेंज जूसी और शुगर केन जूसीएस्ट होती है। रॉक क्लाइंबिंग एक्साइटिंग होता है, मोर एक्साइटिंग मोस्ट एक्साइटिंग, ठीक है। देन उसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर फोर, एंड क्वेश्चन नंबर फोर है हमारा, करेक्ट द यूज ऑफ द डिस्क्राइबिंग वर्ड्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, ठीक है ना। तो डिस्क्राइबिंग वर्ड का हमें जो सेंटेंसेस के अंदर करेक्ट करना है, ठीक है। तो हमारा कौन सा है, चार। देन है हमारा पांचवा क्वेश्चन, पांचवें के अंदर हमें पंक्चुएट करना है, मतलब कैपिटल वर्ड कहाँ पे लगेगा, फुल स्टॉप कहाँ पे आएगा, कॉमा कहाँ पे आएगा, चार पाँच और छः, ठीक है। तो चार पाँच छः जो है हम जहाँ पे देखते हैं, ये है आपका चार। तो चलिए
दिस इज सिंपलेस्ट, ठीक है ना, सिंपलेस्ट इसको लिखेंगे पहले चार के इसको, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर चार के आंसर हैं ये, ठीक है। देन आते हैं क्वेश्चन नंबर पाँच पे, तो यह है क्वेश्चन नंबर पाँच का आंसर, हमने सही करके इसको लिखा, ठीक है, जहाँ तक पाँच का आंसर हो गया। देन है आपका क्वेश्चन नंबर छः, तो ये है नीचे क्वेश्चन नंबर छः के आंसर, ठीक है। चलिए उसके बाद एक्सरसाइज का लास्ट पोर्शन है हमारा, लेट्स फाइंड आउट। तो इसके अंदर क्या है, इन ब्लैंक्स को फिल करना है, फिल इन द ब्लैंक्स, ब्लैंक्स को फिल करना है। ए जायंट ट्री, रेड रोज ट्रीज, कैलिफोर्निया, ठीक है ना। दूसरी जो ब्लैंक्स हैं अकॉर्डिंगली हमने फिल कर दी है, ठीक है। तो ये आपकी ब्लैंक्स हैं, तो रेडवुड ट्रीज, कैलिफोर्निया, ऑस्ट्रिच, एलिफेंट, ब्लू व्हेल, ठीक है ना, क्रोकोडाइल, छः आपकी हैं, तो छः हमने यहाँ पे फिल कर दी है डैश। वहाँ से आप जो है वीडियो रोक के लिख सकते हैं, छः डैशेज आपकी फिल हो चुकी, ठीक है। उसके बाद है आपकी क्रिएटिव राइटिंग। तो क्रिएटिव राइटिंग के रिगार्डिंग जो है आपको एक पैराग्राफ लिखना है जिसमें आप एक्सपीरियंसेस बताएंगे, ठीक है ना। चलिए ये जो आपका पैराग्राफ है, आप जहाँ पे क्रिएटिव राइटिंग ये वाली जो है, ये जहाँ पे थोड़ा बड़ा है, जहाँ से लिखें क्रिएटिव राइटिंग का, आप जो है, एक मिनट मैं आस्ता आस्ता जाऊँगा ताकि आप जो है वीडियो रोक के लिख पाएँ, ठीक है। और नीचे ओके, तो जहाँ तक आप ये हो गया, इसके साथ ही ये वाला चैप्टर जो है हमारा कंप्लीट हो जाता है, ठीक है ना। तो बेटा हम मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ, ठीक है। टिल देन एंजॉय, बट डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक।